मेरा भाई तेरे वीडियो बना दो। आरएमसीएल के सभी डायनामिक लीडरों को कुलदीप सिंह का नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, माय सेल्फ कुलदीप, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ और एक स्टूडेंट हूँ और इससे सबको पिछले मार्च से सीख रहा हूँ। अपने गुरुदेव गुरुजी के माध्यम से मिस्टर दीपक मान के लिए मैं जोरदार तालियां दूँ। एक बार अभी अश्वनी सर ने एक क्वेश्चन किया आप लोगों से, मैं वही रिपीट करता हूँ। यहाँ पे नए लोग कितने हैं? नहीं, बिल्कुल नए। डर क्यों रहे हो आप लोग? डर क्यों रहे हो? कितने लोग नए हैं? और ना लोग पूरे हाथ। एक बार आरएमसीएल के नए लोगों से मेरा ये कहना है, आज आप यहाँ पे आए हो, आज आपको कुछ ऐसी चीज यहाँ पे मिलेगी जो आज से पहले आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। एक चीज होती है ना, आदमी को अपना पास्ट पता होता है, अपना प्रेजेंट पता होता है, लेकिन फ्यूचर किसी को पता है नहीं। अच्छा, हिंदू धर्म में एक चीज बात कही गई है कि लोगों का भविष्य कौन लिखता? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी लिखते हैं। तो पास्ट तो हमारा चला गया जैसा था, प्रेजेंट अभी है जैसा है, लेकिन अगर ब्रह्मा जी आपके सामने आ जाए और आपको एक वरदान दे कि आप अपना फ्यूचर लिख सकते हो, तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो अपना फ्यूचर खुद लिखना चाहेंगे? सबको सब ग्रेट ग्रेट। मेरे को नहीं पता था, फर्स्ट क्लास से पहले मेरे को पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होगा, लाइफ में क्या होगा, क्या सेक्रीफाइस होंगे, किस तरीके से लाइफ चलेगी और मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को पार करूंगा। बट एक ऐसा मंच मिला मेरे को, ऐसे गुरु मिले मेरे को जिन्होंने ये बताया कि कुलदीप जो था वो तेरे हाथ में नहीं है, जो हो रहा वो तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तू एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो तेरे को बता सकता है कि अपनी लाइफ तू खुद लिख सकता है, अपनी इनकम का चेक तू खुद भर सकता है। किसी भी लोग जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमें सैलरी अपने अकॉर्डिंग मिलती है या हमारा बॉस देता है? लेकिन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम है जिसमें अपना चेक हमें खुद भरना होता है। मानते इस बात को? ठीक है, आज मेरे को बहुत बड़ा काम दिया गया है, मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मार्केटिंग प्लान दिखाने की। मैं थैंक करता हूँ अपने सर दीपक मान सर का जो मेरे को ये जिम्मेवारी दी, इसलिए मेरे को समझा। बट प्लान थोड़ी देर में करेंगे, सर ने बोला बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी सी बात करें आपस में सर। यस सर, बातचीत करें, क्योंकि बातचीत करने जो आए हैं ना। yes. आप लोग ऐसे मत देखो, आप मेरे लोग पता मेरे साथ क्या रिश्ता निभा रहे हो, सास बहू का। सास सामने आ जाए तो बहू की आवाज कैसी हो जाती, चेहरा कैसा हो जाता, आप लोगों का वैसा हो रखा है उस चीज में ना। आजकल बाहर का माहौल भी ऐसा है, लोग सख्त पुकार रहे हैं। आजकल हमारे देश में बाबाओं का बाबा है सनी एस्टीज की तरफ जा रही है, मतलब कपिल शर्मा भी आजकल उनको अपनी उस एडवर्टाइज में ऐड करता है। अभी कुछ दिन पहले में, दो महीने पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोला घर के मंदिर में आसाराम की फोटो लगा रखी थी, क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा दे। बोला वहां तो पहले ही नारायण दत्त तिवारी की लगा रखी है। तो ये फनी ऐसी चीज में आ रही है। और भी आपने सुना होगा, एक हमारे हैं निर्मल बाबा जी, सुना है ना? तो उनका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो क्या है? पकौड़े, समोसे, है ना, गोलगप्पे। तो एक इसी तरीके से एक व्यक्ति खड़ा हो गया तो बोलता है कि बाबा जी ने क्वेश्चन किया, बोले समोसे खाए थे? बोला जी हाँ खाए थे। बोले कितने दिन पहले? बोले एक हफ्ता पहले खाए थे जी। बोले अच्छा, बोले ये बताओ लाल चटनी से खाए थे क्या हरी चटनी से खाए थे? बोले जी लाल चटनी से खाए थे। बोले वो हरी चटनी से खाने थी, कृपा वहीं अटकी पड़ी। एक और था, एक है ना मार्केट में घूम रहे हैं कुछ, तो एक और पहुंच गया, बहुत दुखी प्राणी था, वो पहुंच गया कि बाबा बीबी छोड़ के चली गई है, बच्चे मांगते रही है, बर्बाद हो गया, कर्जा हो गया, सब चीज हो गई, ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन बताओ।
तो बाबा बोले बोले किसी सेमिनार में गए थे, आरएमसीएल के सेमिनार में गए थे। बोले जी गया था। बोले वादी भगवान जी को सुना था? बोले जी सुना था। बोले तालियां बजाई थी? बजा लो जी, तो कृपा कहीं भी अच्छी हो। अभी हाल फिलहाल में मून चैनल पे, टीवी चैनल पे एक चीज चल रही थी कि अभी जब राम रहीम को पकड़ा गया तो माइंड मत करना, थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे से रिलेट करें, नहीं तो सास गोल वाला रिश्ता बनेगा पर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आप पास टाइम निकाल के आए हो, है ना। नहीं तो एक दोस्त मिल गया मेरा, दोस्त बोला मैंने कहा चल सेमिनार में, दो तीन दिन पहले मैंने उसको बोला था, बोला मैं चल सेमिनार में चलेंगे, आज वो सुबह सुबह मिल गया। मैंने कहा चल ही रहा है? बोले नहीं नहीं मेरे को घर पे जाना है जल्दी। मैंने कहा क्या जल्दी ऐसी है? बोले आदमी को घर जाने की सिर्फ दो ही चीज की वजह होती है। मैंने क्या? बोले या तो बीवी नहीं हो या बीवी नहीं हो, या तो घर पे बीवी नहीं हो या तो नहीं हो, ये तो परेशान बहुत सारे। अभी आपने सुना होगा कि राम रहीम को गिरफ्तार करने से पहले एक राम गोपाल का भी प्रोसेस ऐसे ही चला था, रामपाल का प्रोसेस ऐसे ही चला था, मान गए आप? क्लियर है? तो उसमें एक न्यूज चली टीवी चैनल पे बहुत अच्छी कि एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया। हाँ, चली चली थी ना, आप लोगों ने भी देखा। तो उस पुलिस वाले को बुलाया गया और उससे बोला कि भाई ये बताओ तुमने मीडिया वाले को क्यों पीटा? तो पुलिस वाले ने बोला, बोले वहां तो गोले चल रहे थे, बम फेंके जा रहे थे, आजू तक उसके गोले फेंके जा रहे थे, स्ट्राइक हो रही थी, मारा पीटी चल रही थी, और वो मेरे हलक में माइक लेके पूछ रहा था, मतलब कैसा फील कर रहे हो? तो उसकी बात ठीक है। और एक हरियाणा के हैं बाबा रामदेव, अब ऐसे बाबा रामदेव तो उनको क्या कहूँ, लाला रामदेव को, है ना, लाला ही हो रखे आजकल। वो जो नहीं है वो एमडीएच का बुड्ढा, वो भी कॉम्प्लेक्स में आ गया है। वो कह रहा है कि मॉडलिंग में मेरा प्रतिद्वंदी तो अब आया है मॉडलिंग में, ये तो पहले वो ही करता था। और बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे बाबा हैं जिनको टीवी पर मौका नहीं मिलता, वो ऐसे घूमते फिर। तो एक वहां पे चल रहा था, एक गांव में, हरियाणा के गांव में एक बाबा जी थे, तो उन्हें कोई मिला ही नहीं सुबह से शाम तक, वो परेशान, उन्हें कोई प्रवचन देने को मिला ही नहीं सुबह से शाम तक परेशान। तो शाम हुई तो एक लड़का मिला उनको आता हुआ, वो लड़का दिए हाथ पे दिया रखे आए हुए था, आ रहा था। बाबा ने सोचा मिल गया मौका, उसके पास गए। बाबा ने कहा बेटा तुमको पता है ज्योति क्यों जलती है? लड़का भी हरियाणा का था। बाबा ने सोची जवाब देगा, मैं इससे प्रवचन दूंगा। लड़का भी होशियार था, हरियाणा का था। बाबा लड़के ने मारे दिए का फूंक, अनु बोली बाबा ये बताया ज्योति गई थी। तो ऐसे ऐसे कारनामे होते रहते हैं, ठीक है। तो अब बातचीत ऐसी चलती रहेगी। फर्स्ट टाइम मेरे को ये प्रेजेंटेशन का मौका मिला और मैं फर्स्ट टाइम आऊँ, पहले मैं सोचता था इसको मैं काला सांप समझता था, और जो पहली बार मेरे को माइक दिया गया था सर रियली, तो पहली बार दिया गया था तो मेरे को अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, आज तो करीब देगी जा रही है। आज जो प्रेजेंटेशन मेरे को दिया गया है आरएनसीएल का सिस्टम, एक ये एक बुक होती है, बुक आपने आप लोगों के पास होगी भी, या पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा आप अपना फ्यूचर रियलिटी में। अब तक तो हंसी मजाक की बात चलती बट रियलिटी में आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं अगर आप बदलने के मूड में हो तो, अदरवाइज कोई भी नहीं बदल सकता। भगवान भी ये कहते हैं कि मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तो तेरे को खुद ही पड़ेगा। आपका जो अपलाइन है, आपका जो सहपाठी है, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना किसको पड़ेगा? खुद को। yes. तो आप मेरे साथ हैं? yes. बिल्कुल yes. मेरे को नहीं लगता है, म्यूजिक चालू भाई, आप मेरे साथ हैं? yes. और म्यूजिक के साथ बताएंगे? yes. ओके ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? राइट, क्या दिखाई दे रहा है ये? लग्जरी लाइफ। बीच में क्या लिखा है? एवरीवन एवरीबॉडी वांट्स टू हैव ब्राइट फ्यूचर, हर किसी को ये ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। क्लियर बात है? हाँ ना जवाब करते रहोगे तो मेरी और आपकी ट्यूनिंग मिलती रहेगी, नहीं तो 15 मिनट मैं भी ऐसा खड़ा रहूंगा, 15 मिनट आप भी ऐसे बैठे रहोगे।
कोई फायदा नहीं बनेगा, आए हो तो फायदा उठाओ, क्लियर? यस दिख रहा है। अच्छा मेरे को चीज बताओ, इसमें सबसे पहले क्या चीज दिख रही है? लग्जरी हाउस। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं हाथ खड़ा करके बताएंगे जिनके पास अपना घर है? सारे हाथ खड़े करके बताएंगे। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास लग्जरी घर है? लग्जरी घर है। दूसरी चीज कार किस किसके पास है? सबके पास है। कार नहीं है तो किसी के पास बाइक होगी, बट लग्जरी नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम, आज हमें पैसा कमाने